लद्दाख में हिमाची जी पाक पहुंच गए। काम में भाई उजर भाई गाड़ी हटाने लगा। वेलकम बैक टू द चैनल, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं आपका भाई रिंकू व्लॉग्स, और जो भाई चैनल पे नया है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो अभी भी हम यहीं हैं, तो अपना बादशाह ना अभी खाली हो चुका है, अभी यासर भाई की गाड़ी खाली होनी है। तो अभी देखते हैं भाई यासर भाई की गाड़ी के पास जाएंगे, देखेंगे क्या चल रहा है वहाँ पे। तो बंदे लेबर लोग गए हैं खाना खाने के लिए, तो देखते हैं कब तक आएंगे वो। फाइनली अपना बादशाह हो चुका है खाली, तो अभी हम थोड़ा यहाँ से जाएंगे फ़ोटो शूट करने के लिए। अहमद ने बोला मैं फ़ोटो उठाऊंगा उधर जहाज़ के साथ, तो अहमद को पहले ले जाएंगे, यासर भाई का बेटा है, तो पहले वहाँ फ़ोटो शूट करेंगे, और उसके बाद वो बाकी फैमिली को भेजा हमने इधर। यहाँ पे क्या है यासर भाई, वो वहाँ पे अच्छा करगिल वार का वो शायद इन्होंने वो बनाया उधर ना। यासर भाई की गाड़ी अब खाली होने लगी, आज संडे थी, संडे को ना यहाँ पर 1 बजे तक खाली, यहाँ पे खाली नहीं हो रहा है, हमें खुद लेबर लाने पड़े, और 2-3 गाड़ियों ने खुद उतारा। उनके पास 2-4 बंदे थे, उन बेचारे कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 9-11 बजे तक उन्होंने खाली की अपनी गाड़ियाँ। इसलिए ये नानक ट्रांसपोर्ट है जो उसको हमने फ़ोन किया, तब से परसों से हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। ये देखो भाई ये यहाँ का एयरपोर्ट है, वो फ्लाइट निकल चुकी है, देख सकते हो भाई अभी जहाज निकल गया जस्ट। वो देखो भाई हो गए जी, चलो अल्लाह पाक सबको सबकी हिफाजत करे। ये अहमद को पहले यहाँ पे फोटो शूट करेंगे, रील वील बनाएंगे इसको। अभी हम निकल चुके हैं भाई मार्केट के लिए, तो अपने फैमिली के साथ इनको कुछ खिलाएंगे। यासर भाई की गाड़ी खाली होनी है, बादशाह तो खाली हो चुका है। काम में भाई उधर भाई गाड़ी हटाने लगा, वो भाई बस 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 उधर गाड़ी भाई लग जाए। अभी ना हम पहले इनको कुछ खिलाएंगे, तो चलो मेरे जान, चलो जिगर मेरा, आ जा पकड़ो मेरा हाथ। यहाँ पे लद्दाख में जामिया मस्जिद है भाई, कितनी खूबसूरत मस्जिद है भाई, माशाल्लाह भाई। लद्दाख में मस्जिद पाक जामिया मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, और यहाँ से देखो भाई मार्केट लद्दाख का। अभी ना रात के बज चुके हैं 12:30, अभी हमने सस्पोल क्रॉस किया, नरला की ओर चल रहे हैं, तो पीछे सस्पोल में रुक के ना हमने खाना वाना खाया, तो घर वाले अब सो गए। अभी चल रहा हूँ मैं आगे, यासर भाई भी पीछे आ रहा है, पता नहीं थोड़ा पीछे ही है, यासर भाई भी आ रहा है, और उजैर भाई आगे निकल चुका है, थोड़ा वो तेज़ ही चल रहा है। मैंने उसको बोला भाई आराम से चलो, तो अभी हम चल रहे हैं भाई, देखते हैं कहाँ तक चलेंगे, अगर कहीं पर लग जाएगा नींद आ गई तो फिर सोना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर भाई सीधे करगिल पार करके रखेंगे। 9 एंट्री से पहले पहले करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी कम से कम बहुत है, तो देखते हैं भाई कहाँ तक चलेंगे हम, और अगर नींद नहीं आई तो फिर करगिल पार करना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि सुबह फिर दिन को रुकना पड़ेगा 9 एंट्री की वजह से। उधर से ना गर्मी भी जब आए थे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी पता नहीं भाई कल मौसम कैसा होगा, तो अभी मैं चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा खींच के ही सोचते हैं भाई करगिल पार करेंगे। यासर भाई को भी बोला सोना नहीं, थोड़ा खींच के रखना। अभी ना बज चुके हैं भाई 1:45, तो हम पहुंच गए अभी लामायूर। अभी लामायूर में हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से फोटोला रह गया 16 किलोमीटर। अभी ना अपना सफ़र कंटिन्यू है भाई, रात को भी तो सोचते हैं कि करगिल सिटी रातों रात पार करेंगे। अभी हम लामायूर चल रहे हैं, यहाँ से द्रास है 162 और कारगिल है 120।
सुबह के बज चुके हैं 5, तो अभी हम पहुंच गए जी कारगिल। लद्दाख से ना कंटिन्यू हमने पूरी नाइट राइड किया, क्योंकि कारगिल सिटी का मसला था भाई, ये पार करना था ज़रूरी। तो शुक्र है अल्लाह का, हम अच्छे पूरे टाइमिंग लेकर पहुंच गए यहाँ पे। थोड़ा ना 50-60 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा खींचा हमने, तो इसलिए भाई यहाँ तक पहुँच गए, वरना भाई मुश्किल था। अलहमदिल्ला जी, हो गई सिटी पार। अभी हम चल रहे हैं फिर से, अब कोई टेंशन नहीं है भाई, जहाँ भी मन करे रोकने के लिए कोई टेंशन नहीं है। घर तक कोई नो एंट्री नहीं है, बस यही कारगिल का टेंशन रहता है। जो इसका ना बाईपास भी है भाई, बट उधर 14 चक्का और 12 चक्का नहीं जाता है, 10 चक्का जा सकता है, 6 चक्का भी जा सकता है। 10 चक्का में भी थोड़ा दिक्कत होती है, उतनी भी नहीं, फिर भी वो निकल जाती है। 12 जगह और 14 जगह में दिक्कत हो जाती है। आते समय अनुज भाई के साथ 3 गाड़ियों के टायर ब्लास्ट हो गए, वहाँ से वो बाईपास होके आ गए 12 टेरी वाले, तीनों गाड़ियों के टायर फट गए भाई। चलो जी, शुक्र है अल्लाह का, हमने पार कर लिया। लद्दाख रोड पे फुल नाइट ड्राइव की, फुल नाइट भाई। रात को 11:30 बजे लद्दाख पे निकले, सुबह 5 बजे हम पहुंच गए थे कारगिल। अभी कंटिन्यू चलेंगे हम मिनीमार्ग तक, क्योंकि कानवाई है, कानवाई छोड़ेंगे इसलिए वही सीधे चलेंगे। अभी ना सुबह के बज गए 6:20, तो हम पहुंच गए जी अभी त्रास। सुबह सुबह अभी ना कहीं आगे रुक के ना घर वालों को चाय वाय पिलाएंगे, बच्चों को ना भूख लग गई है, क्योंकि गाड़ी में ना ज़्यादा भूख लगती है ट्रक में। अभी ना हम मिनीमार्ग से निकल चुके हैं, कानवाई ने शायद पहले ही छोड़ी है 6 बजे की। पहुंच गए यहाँ पे भाई 7:05, तो कानवाई पहले ही छोड़ी है, पता नहीं कब की छोड़ी है। हम सीधे निकल गए, कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। अभी हम भी चल रहे हैं भाई गुमरी की ओर, बस अब गुमरी पहुँच के ना जोजला की ओर चढ़ेंगे। यहाँ से गुमरी रह गया भाई 8 किलोमीटर। ये भाई सुबह सुबह मार्निंग किए हुए। अभी ना हम पहुँच गए जोजला, तो बस यहाँ से खाली चढ़ना है ऊपर के लिए। जल्दी इंशाल्लाह सोनमर्ग पहुँच के ना सीधे भाई घर की ओर, क्योंकि भाई रात भर ना पूरी रात को हम सोए नहीं, आँख
भी हमने बंद नहीं किए भाई। 11,650 फुट का ये जोजला है टॉप। अभी ना भाई हम नीचे की ओर आ रहे हैं बालथल की ओर। इसमें ना भाई थोड़ा आराम से ही चलना पड़ता है क्योंकि रोड सही नहीं है, रोड खराब है। नीचे इसमें टाइल डला हुआ है ना, इसमें ये टाइल ना चलने नहीं देती है गाड़ी। अभी हम आराम से ही उतर रहे हैं क्योंकि उतराई भी खतरनाक है और दूसरी बात ये टाइल जो लगे है ना ये चलने नहीं देते है भाई, इतनी आवाज़ मारती है ना गाड़ी, इसलिए भाई आराम से उतरना पड़ता है। रोड अच्छा होता तो थोड़ा हम चलते। ये देखो भाई, ओह 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 भाई कितनी आवाज़ आ रही है भाई। लगता है भाई इस रोड पे ना, इससे लगता है भाई जैसे कि कोई 10-11 माल गाड़ी चलाते हैं, ऐसी रोड की कंडीशन है। बट ये टायल भी इसमें ज़रूरी है क्योंकि बर्फ रहता है यहाँ पे। अगर इसमें मैगडम डाला जाएगा तो उसमें कोई टाइम नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें ये टायर ड्राइव हो गए। मज़ा आया लद्दाख में? मज़ा आया? आज ना फर्स्ट टाइम जहरान ट्रक में बैठ गया है। मुझे लगा था ये डर जाएगा बट डरा नहीं, इसको बहुत ही मज़ा आ गया। हम आ गए जी नीचे, ये देख सकते भाई यहाँ पे खाली खाली पेड़ है। वो तो आर्मी वाले हैं, आर्मी के अपने होते हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। अभी ना हम पहुँच गए जी सुंबल और कानवाई। आ गई यात्रा वाली, इसलिए इन्हें साइड में रोका। पहुँच गए जी हम अभी घर हैदरपुरा बाईपास पे। तो अपनी गाड़ी ना यहाँ पे पार्क की है, अपना बादशाह हमने यहाँ पे पार्क। तो अभी भाई आ गया लेने, अभी जाएंगे हम गाड़ी में भाई घर। तो जी फाइनली हम घर पहुंच गए।